नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 8, पाठ 3, खनिज एवं शक्ति संसाधन। बच्चों, क्या कभी आपने बिस्कुट बनते हुए या फिर किसी को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। तो बच्चों, आइए जानते हैं इस अध्याय में खनिज संसाधन एवं शक्ति के बारे में। बच्चों, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वह किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित है। बच्चों, यह खनिज के चित्र आप यहाँ पे देख रहे हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ हम आसानी से जा नहीं सकते हैं, जैसे आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका। बच्चों, खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। बच्चों, अब जानते हैं खनिजों के प्रकार को। बच्चों, पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। जिस प्रकार जब हम बिस्किट बनाते हैं तो बिस्किट के लिए हम मैदा या आटा, दूध और शक्कर का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार धातु कच्चे रूप में होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, धात्विक खनिज बोलते हैं। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं और जिनमें चमक होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिज जैसे लौह अयस्क, मतलब जिसमें लोहे की मात्रा हो, जैसे कि मैग्नीज और क्रोमाइट, इसमें लोहा होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा या सीसा, यह सब अलौह खनिज होते हैं। बच्चों, अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। बच्चों, खनिजों को खनन, प्रवेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन
कहते हैं। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए बहुत गहरे कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे हम कुएं भी बोल सकते हैं, और इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है, उसे आखनन कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खुदाई नहीं होती है। बच्चों, अब जानते हैं पृथ्वी में खनिजों के वितरण के बारे में। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ अग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज अग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, इसमें पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटेरियो में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लैटिनम अग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। खनिजों का भारत में वितरण किस प्रकार है, ये हम जानते हैं। लोहा, भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह खनिज मुख्यतः झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। बॉक्साइट, इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। अभ्रक, अभ्रक निक्षेप मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तांबा, यह मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। मैग्नीज, भारत के मैग्नीज निक्षेप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। सोना, भारत में कर्नाटक के कोलार में सोने के निक्षेप हैं। ये खाने विश्व की गहरी खानों में से एक है, जो इस अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। चूना पत्थर, भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्य बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु हैं। बच्चों, भारत में नमक भी होता है। यह समुद्र, झील और शैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। अग्रणी मतलब सबसे पहला। बच्चों, अब जानते हैं खनिजों के उपयोग को। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है, जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। बच्चों, आप लोगों ने तांबे के सिक्के देखे हैं या नहीं? पाइप तो आप लोग देखे ही होंगे या तांबे की अनेक वस्तुएं देखे ही होंगे,
जो आपके घरों में मौजूद हो। बच्चों, कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकन क्वार्ट्स से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम, जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। बच्चों, आइए जानें खनिजों के संरक्षण के बारे में। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। बच्चों, यानी कि मानव जिस प्रकार खनिज का उपयोग कर रहे हैं, जितनी तेजी से उपयोग कर रहे हैं, खनिज बनने में उतना ही समय लगता है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। बच्चों, धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। आप लोगों को सबसे पहले शुरुआत में मैंने बिस्किट बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताया था। अब अगर भूख लगने पर आप बिस्किट खाते हैं या फिर खाना खाते हैं, तो आपको उससे क्या मिलती है? शक्ति, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा भी कहते हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा, तो इन दिनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, जो कि नवीकरणीय है, के उपयोग की आवश्यकता है। बच्चों, यह पाठ अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको इस पाठ में खनिज संसाधन और शक्ति के बारे में बताया। इसके साथ ही मैंने परंपरागत ऊर्जा के बारे में आपको बताया। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है, इसके बारे में भी आप जरा अपने से सोचिएगा। और साथ ही इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न दे रही हूँ, जिसकी आप आपस में चर्चा कीजिएगा। प्रश्न एक है, किन्हीं पांच खनिजों के उपयोग की सूची बनाइए। प्रश्न दो है, मानचित्रावली की सहायता से भारत के रूपरेखा मानचित्र पर लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक के वितरण को चिन्हित कीजिए। प्रश्न तीन, पांच तरीके बताइए जिनसे आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। बच्चों, यह गृह कार्य आप अपने मित्रों या अभिभावकों से चर्चा कर क्या करिएगा, अपनी कॉपी में उत्तर लिखिएगा। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।